ये है पाकिस्तान की एक एबंडेंट फैक्ट्री की वीडियो कि कोई बहुत जोर से चीख रहा है, एक बार ऐसे ना पीकाबू करके छुप गया। कोई अजीब सी क्रीचर खड़ा है और वो बिल्कुल भी इंसान जैसा लग नहीं रहा था गाइस। हेलो इनिस फैम, आज मैं फिर से एक बहुत ज़्यादा डरावनी वीडियो लेके आ चुकी हूँ और आज मैं और आप हम दोनों मिलके देखने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इंटरनेट पे ये बोल के अपलोड कर दिया गया है कि वो एक्चुअल रियल घोस्ट पैरानॉर्मल वीडियोस हैं एंड ये सीसीटीवी या किसी के कैमरा में गलती से कैप्चर हो गया है। मतलब आज की जो वीडियोस हैं उनको मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, मैं भी आप ही के साथ बैठ के देखने वाली हूँ कि क्या ये सच्ची में रियल घोस्ट के वीडियोस हैं, क्या इन वीडियोस में रियली कोई आत्मा या फिर भूत दिखाई दे रही है या फिर ये कोई एक्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और अगर आप ऐसे ही रियल घोस्ट रियल आत्माओं की वीडियोस देखना पसंद करते हो देन प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। गाइस, अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना वो है 1897 का, मतलब बहुत साल पहले का। और इतने साल पहले ना सीसीटीवी हर जगह पे इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। और ये वीडियो है सऊदी अरबिया का। उस टाइम पे बहुत सारे देशों से बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया में गए थे और वहाँ पे रुके थे, इसीलिए उन लोगों को सेफ्टी देने के लिए उस जगह पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया गया था। अगर ध्यान से इस सीसीटीवी फुटेज को देखोगे देन आपको ऐसा ही फील होगा कि कोई बहुत जोर से चीख रहा है या चीख रही है और वो अजीब सी चीख की आवाज को सुन के उस रूम से हर कोई दौड़ दौड़ के भाग रहा है। मतलब मैं जब ये वीडियो देख रही थी ना, मुझे तो सबसे पहले यार ऐसा फील हो रहा था देख के कि कोई उड़ उड़ के जा रहा है। जो पहला इंसान गया ना भाग के, पहले मुझे लगा था कि वही इंसान उड़ उड़ के जा रहा है, बट मैंने ध्यान से जब देखा तब मुझे पता लगा कि वो दौड़ के गया और उस रूम से किसी की चीख की आवाज़ तो पक्की 100% आ ही रही होगी। और आप ध्यान से उस चीख को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कोई नॉर्मल इंसान की चीख हो ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि कोई पोजेस्ड हो गया है कोई बुरी आत्मा से या फिर कुछ भी चीज़ से, और कोई पोजेस्ड इंसान ही ऐसी अजीब अजीब आवाज़ करके चीखता है। ये तो पहला वीडियो था गाइस। अभी नेक्स्ट जो वीडियोस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो और भी ज़्यादा डरावने हैं। सो अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है पाकिस्तान की एक एबंडेंट फैक्ट्री की वीडियो। एबंडेंट मतलब गाइस जो फैक्ट्रीज होते हैं ना जिनमें काम चलना बंद हो चुका है, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, वो बंद हो चुका है, उस फैक्ट्री का ये वीडियो है। अभी आप सोचोगे कि किसने ये वीडियो लिया। पाकिस्तान की उस एबंडेंट फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था। और एक दिन रात को वो सिक्योरिटी गार्ड जब ऐसे ही बैठा हुआ था, उसको थोड़ा सा नींद आ गया, उसकी आंख लग गई और अचानक उसको ऐसा एक आवाज़ आया जैसे कि उसके पास से कोई इंसान चल के गया। उसने सोचा कि इतनी रात को इस एबंडेंट फैक्ट्री में कौन आएगा, जहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई आता जाता नहीं है। उसने सोचा कि कोई चोर या फिर ऐसा टाइप का कोई क्रिमिनल टाइप का इंसान होगा, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड अपना टॉर्च लिया और तुरंत वो फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री की थोड़ी दूर जाते ही उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप सोचो एक एबंडेंट फैक्ट्री जहाँ पे बरसों से कोई नहीं जाता है, जहाँ पे मतलब बिल्कुल झाड़ियाँ हो गई है, जंगल जैसा हो गया है, और उस एबंडेंट फैक्ट्री के अंदर उस वॉचमैन को दिखा कि एक आदमी अजीब तरीके से चलते हुए जा रहा है। फिर भी वो वॉचमैन डरा नहीं, वो अपना टॉर्च लेके उसका पीछा करते हुए चलता रहा। जब वो थोड़ा नजदीक गया तब उसको ऐसा लगा कि सामने वाला इंसान की तरह लग तो रहा है पर वो कोई इंसान है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि एक इंसान की शेप में सिर्फ कपड़े चल रहे हैं, कपड़े के अंदर कोई भी इंसान नहीं चल रहा है। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेतों में ना कौआ या फिर कोई पंछी ना आए इसलिए स्केयर क्रो रखा जाता है, जो एक इंसान की शेप का पुतला बना हुआ होता है और कपड़े पहनाए दिए जाते हैं इंसान के। बिल्कुल आप देखो अच्छे से, आपको ऐसा लगेगा कि एक स्केयर क्रो चलते चलते अपने आप जा रहा है, वो कोई इंसान नहीं है। और ये बोलते हुए मुझे गूज बम्प्स आ रहा है कि एक आदमी के शेप का कोई
चीज चलते हुए जा रहा है एबंडेंट फैक्ट्री में और वो अकेला वॉचमैन उसको देख रहा है। आप सोचो अगर उसके जगह आप होते और आपको दिखता एक ऐसी चीज सुनसान जगह पे रात को, तो आपको कैसा फील होता। गाइस नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये देख के आई एम श्योर कि आपकी रूह कांप जाएगी। मतलब ये वीडियो मुझे देख के गूज बम्प आ गया, इतना ज्यादा डर लगा। ये जो वीडियो है ये है इस्तांबुल की एक फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही पुरानी हवेली थी और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और बहुत सारे लोग ना उस पुरानी हवेली को लेके बहुत सारी बातें बोलते थे कि वहां पे भूत है, प्रेत है, बुरी आत्माओं का वास है। तो एक दिन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने सोचा कि वो उस हवेली में जाएगा और जाके देखेगा कि एक्चुअल में क्या वो हाउस हॉन्टेड है। और जब वो उस एबंडेंट हॉन्टेड हाउस के अंदर गया, तब आप उसके वीडियो को देखो अच्छे से, तो आपको ना एक अजीब सा वाइब आएगा। आप अच्छे से वो दरवाजा और जो खिड़कियां है ना उसको देखो, वो अजीब तरह से ना हिलने लग रहे थे जब वो वीडियो बना रहा था तब भी। और तो और आप अगर, ओ माय गॉड मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस, आप अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे ना आपको दिखेगा कि एक बार ना कोई एक अजीब सा इंसान जैसा देखने वाला कुछ एक बार ऐसे ना पीकअबू करके छुप गया। ये तो मैंने जब देखा ना, मतलब मुझे इतना ज्यादा डर लगा, मैं क्या बताऊं। और ये तो कुछ भी नहीं था गाइस, सबसे ज्यादा डरावना चीज तो वो था जब उसने देखा कि उसके एकदम सामने इंसान जैसा दिखने वाला कोई अजीब सी क्रीचर खड़ा है और वो बिल्कुल भी इंसान जैसा लग नहीं रहा था गाइस। और इससे भी डरावनी बात तो तब हुई जब उसने देखा कि वो सेम शख्स उसी टाइम पे उसके पीछे चला गया। और ये तो कोई भी इंसान कर ही नहीं सकता। ये देख के तो यार मेरी बिल्कुल बॉडी ठंडी पड़ गई, इतना ज्यादा डर लगा मुझे ये देख के। बट गाइज आई डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था वो लोगों को उल्लू बनाने के लिए किसी को ऐसे अपॉइंट किया था कि तुम्हें ऐसा करना है। पर अगर अपॉइंट करेगा भी तो वो सेम इंसान कैसे उसके पीछे भी चला जाएगा, मुझे ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। और गाइज हो सकता है कि उसने ऐसा फेक वीडियो बनाया। बट इस्तांबुल के वो जो एरिया है ना, वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उस हवेली में जितने भी लोग रहते थे ना, उनके परिवार की ही किसी ने उन सबका कत्ल कर दिया था, उन सबको मार दिया था। और उसके बाद से वो सारे आत्माएं आज भी उस हवेली में कैद हैं। पता नहीं ये वीडियो रियल है या फेक है, बट ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं जब अकेले में ये वीडियो देख रही हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, मैं क्या ही बताऊँ गाइज। ये वीडियो, अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हो इन सब चीज़ों से, तो प्लीज़ इस वीडियो को अकेले मत देखना। गाइज जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा इंडिया का ही वीडियो है और ये काफ़ी रीसेंट वीडियो है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ना, ये रात 12:20 की फुटेज है। और आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक आदमी पैदल ऐसे एक सुनसान रास्ते से चलते हुए जा रहा है, क्योंकि रात के 12:20 में उतना ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं रस्ते पे। तो वो आदमी चल के जा रहा था, उसके पीछे से थोड़ी देर बाद और एक दूसरा आदमी ऐसे ही चलते हुए जा रहा है। और वो आदमी चलते हुए जब जा रहा था तो वो अचानक रस्ते में गिर गया। आप ध्यान से देखो, वो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि किसी काले साए ने उस आदमी को धक्का दिया और वो इतना जोर से गिरा कि वो सामने वाला आदमी भी भाग के आ गया उसको उठाने के लिए। और उसने जब उसे उठाया तब वो लड़का ठीक सही था। बट आई डोंट नो कि एक आत्मा आधी रात को किसी इंसान को ऐसे धक्का क्यों मारेगा, वो पोजेस कर सकता है, बट ऐसे धक्का मार के चला जाएगा क्यों। सो गाइज आई डोंट नो कि ये जो भी वीडियोज मैंने आपको दिखाया है ये एक्चुअल में रियल है या फेक है, क्योंकि इंटरनेट में बोला जाता है कि ये रियल भूत के घोस्ट वीडियोज हैं। यार सच बताऊँ, आई स्वेयर मुझे ये वीडियोज देख के डर तो लगा है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा डरपुक हूँ। तो आप मुझे बताओ कि आपको डर लगा है ये वीडियोस देख के, आपको क्या लगा कि ये रियल है फेक है। मैं तो जितनी बार भी इसको रिवाइंड करके फिर से दोबारा देख रही हूँ ना, फिर भी मुझे लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना फेक
इतना ज्यादा फेक कैसे हो सकता है ना? तो आपको कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा रियल और सबसे ज्यादा डरावना लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मुझे ना वो जो पाकिस्तान का जो वीडियो था वो मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रियल लगा यार। आई डोंट नो वो रियल था फेक था क्या था, बट वो बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा ही रियल लगा। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही और जो रियल घोस्ट वीडियोस बोल के फेमस वीडियोस होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, देन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है देन इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो यार। मैं आपके लिए ही इतने सारे हॉरर वीडियोस देखती हूँ, मुझे रात को डर लगता है, नींद नहीं आती, बट फिर मैं आपके लिए देखती हूँ। तो यार एक लाइक तो कर ही दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, 900 के इतने पास हैं हम, तो 900 के जल्दी 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 कर दो यार। लव यू।